साल प्रयागराज से दिल्ली तक करीब 720 किलोमीटर दौड़ लगा चुकी काजल की जिला प्रशासन ने अब सुध ली है। जिलाधिकारी संजय खत्री ने काजल को 51,000 सहायता राशि और स्पोर्ट्स किट देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि काजल वही है जो बीते दिनों राजा भैया से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। प्रयागराज के रास्ते कुंडा लखनऊ जा रही काजल ने राजा भैया से मुलाकात की। कुंडा विधायक राजा भैया ने काजल का हौसला बढ़ाया और काजल को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। काजल ने कुंडा होते हुए रायबरेली के रास्ते लखनऊ की यात्रा 6 दिन में पूरी करने का अपना लक्ष्य रखा। आपको बता दें, राजा भैया से मुलाकात करने के बाद ये बच्ची काजल अब सीधे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से मिलना चाहती है। काजल की अगली मंजिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दरअसल प्रयागराज में 19 नवंबर को आयोजित हुई 42 किलोमीटर की इंदिरा मैराथन में काजल ने दौड़ लगाते हुए 14वां स्थान प्राप्त किया, लेकिन कम उम्र के कारण आयोजकों द्वारा काजल को मैराथन में शामिल नहीं किया गया। बावजूद इसके काजल ने 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। मैराथन पूरी करने के बाद काजल ने उस वक्त खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी से मुलाकात की इच्छा जाहिर की, लेकिन वो मुलाकात नहीं कर पाई। प्रशासन से काजल काफ़ी ज़्यादा नाराज थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इसी तरह दौड़ लगाती हुई लखनऊ पहुँचेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी। योगी आदित्यनाथ से तो काजल की मुलाकात अब तक नहीं हुई, लेकिन राजा भैया से मुलाकात करने के बाद काजल ने एक बेहद खास इंटरव्यू में कह दिया है कि वो अपनी सारी शिकायतें मुख्यमंत्री साहब को बता देना चाहती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।